खबर शिवपुरी जिले से है, जहां बैरार थाना क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा कोटा शहर से लापता हो गई। छात्रा नीट की पढ़ाई करने राजस्थान के कोटा गई हुई थी। लापता हुई छात्रा के पिता के पास 30 लाख की फिरौती का एक मैसेज आता है, साथ ही उसकी बेटी के हाथ पैर बंधे हुए हाल में कुछ फोटो भी भेजे गए। इधर हरकत में आई कोटा पुलिस मामले के पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक बैरार कस्बे के रघुवीर धाकड़ की बेटी काव्या धाकड़ सितंबर 2023 से कोटा में रहकर नीट की तैयारी करती थी। सोमवार की दोपहर 3 बजे छात्र के पिता रघुवीर के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लड़की की फोटो भेजने वाले ने लिखा कि रघुवीर की बेटी को किडनैप कर लिया गया है और उसे जिंदा छोड़ने की एवज में 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। वही इस मामले में गुना शिवपुरी लोकसभा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे परिजनों से बात कर उन्हें बेटी के सकुशल आने के प्रति आश्वस्त कर रहे हैं। मंत्री सिंधिया ने वीडियो में कहा, आपकी बेटी मेरी बेटी है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री से बेटी को सकुशल लाने की चर्चा भी हुई। शिवपुरी की एक बच्ची है और ऐसा बताया गया कि कोटा पढ़ने गई थी, ये उनके माता पिता की तरफ से यहाँ भी जानकारी आई थी। हालांकि पूरा मामला ये कोटा का है और कोटा पुलिस द्वारा ही इसमें FIR भी दर्ज की गई है। अपहरण की पूरी जांच इसमें कोटा पुलिस द्वारा ही की जा रही है। उन्हें जो भी सहयोग चाहिए हम लोग उनके संपर्क में हैं। यदि उनको किसी आरोपी की तलाश के लिए टीम भेजनी हो यहाँ पे, अन्य किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो कोटा जो SP साहब हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी, आज दिन में 2-3 बार बात हुई है। पूरा सहयोग हम उनको दे रहे हैं और मुझे लगता है कोटा पुलिस जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचेगी। इसकी आगे की जानकारी कोटा पुलिस से उपलब्ध करा सकती है। मुझे बहुत बहुत दुख हुआ है, मेरे पास शब्द नहीं है अभी कहने के लिए। मैं समझ रहा हूँ आपके ऊपर क्या बीत रहा है, पर आप बिल्कुल चिंता मत करो, अपनी पत्नी का देखभाल करो। और मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अभी मुख्यमंत्री राजस्थान से मैंने अभी बात की है और मैंने कहा है कि हम लोगों को तहकीकात करके जल्द से जल्द हमारी बच्ची को वापस लाना है। और पूरी वहां राजस्थान की पुलिस को भी उन्होंने निर्देशित कर दिया है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं पीछे पड़ रहा हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बेटी आपकी केवल नहीं है, बेटी मेरी भी।